नमकीन तो सभी की फेवरेट होती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े। बच्चों को कुछ टाइम पास करने के लिए चाहिए होता है तो वो नमकीन के पैकेट खोल लेते हैं, और बड़ों को चाय के साथ ज़रूरी होता है खाने के लिए, तो पैकेट खोलने की जगह हम घर पे ही बना ले वैसी ही बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी वाली नमकीन, तो फिर क्या बात है। हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए आज बनाते हैं बॉम्बे मिक्सचर वाली नमकीन। तो सबसे पहले हमने आधा कप मूंग की दाल और आधा कप चने की दाल को 4 घंटे के लिए भिगा दिया था। धो करके अच्छी तरह से पानी निकाल दिया है। अब इसको एक किचन टॉवल के ऊपर इसको फैला दीजिए और पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए रख दीजिए, जिससे और थोड़ा सा मॉइस्चर इसका कम हो जाए। जब तक हम इसको फैलाते हैं तब तक आप एक इंपॉर्टेंट काम कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे का स्टेप करते हैं। तो इसमें हम सारी चीज़ें घर की बनी हुई डाल रहे हैं, तो उसके लिए अब हमें बनाना है मोटे वाले सेव। तो उसके लिए हमने ले लिया है 1 कप बेसन। इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा ही चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर, आधा से 1 चम्मच जैसे आपका स्वाद हो उस तरीके से अमचूर पाउडर डाल देंगे, आधा से 1 चम्मच के बीच में हम जो है लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, और स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसमें 2 चम्मच हम टेबल स्पून हम इसमें ऑयल का डाल देंगे। तो ऑयल आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा, बस मस्टर्ड ऑयल नहीं लीजिएगा, नहीं तो उसमें से स्मेल आने लग जाएगी। अब इसको मिला करके हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंथ लेंगे। आटा आपका जैसे हम पराठा वगैरह बनाते हैं ना, तो वो जो सॉफ्टनेस होती है उस तरीके का आटा होना चाहिए। पानी डालते टाइम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बेसन है और ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, नहीं तो आपका ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, फिर उससे सेव बनाना मुश्किल हो जाएगा। और इसको हमें रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसका आटा गूंदने लग जाएंगे तो ये हाथ पे थोड़ा चिपचिपा सा लगेगा, तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके का सॉफ्ट आटा होना चाहिए। अब कोई भी सेव बनाने वाली मशीन ले लीजिए, उसमें से जो थोड़ा सा मोटा वाला होता है ना, जो थोड़े बड़े से छेद वाली जाली होती है, वो हम ले लेंगे। तो मैंने ये वाली जाली ले ली है, और इसको हम अच्छी तरीके से फिर ग्रीस कर देंगे। बिना ग्रीस किए अगर आप डालेंगे तो ये आपकी मशीन में चिपकने लग जाएगा और बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो थोड़े बड़े छेद वाली है वो हमने ले लिया, इसका एक लॉग बनाएंगे और इसमें डाल देंगे। अब हमें एक चीज़ और बहुत अच्छे तरह से ध्यान होनी चाहिए कि हमें इसमें ऑयल कैसा लेना है। तो जो ऑयल का टेम्परेचर है ना, वो बहुत अच्छा हाई टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कि जो तेल है आपका खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर अच्छे से गर्म नहीं होगा तो जब आप सेव डाल रहे होंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा ऑयल में, लेकिन साइन ये होना चाहिए कि जब आप सेव डालें तो वो ऊपर तैरता हुआ रहे। जब ऊपर तैरता हुआ रहेगा तो मतलब कि आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठीक है। सेव डालने के बाद हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से खूब अच्छा सा क्रिस्पी होने तक इसको हम तल लेंगे। खूब अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर हम तब तक इसको हम तल लेंगे। इसको तलने के बाद हम ले लेंगे 1 कप मूंगफली, हम उसको भी तल करके निकाल लेंगे। मेरे हिसाब से आप मूंगफली भी तल करके ही इसमें डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। कभी कभी हमें लगने लग जाता है कि नहीं मूंगफली को तलेंगे वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, तो उससे बेटर है हम थोड़ा सा ऑयल डाल करके तब भून लें, ऐसा में नहीं करिएगा। ऑलरेडी हम सारी चीजें तल करके ही डाल रहे हैं तो बेचारे मूंगफली के साथ नाइंसाफी क्यों की जाए, और देखिए स्वाद भी उसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो मूंगफली को भी अच्छी तरीके से, और मूंगफली तलते टाइम ध्यान रखिएगा फ्लेम को लो कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाएगी और उसमें कच्चापन रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने दाल ली थी ना उसको अब हमें तल करके निकालना है, तो फ्लेम को हमें फिर हाई कर देना है और जो ऑयल है फिर अच्छा गर्म हो जाना चाहिए, तब हम इसको तलेंगे। और इस तरीके से कोई भी एक झारा या छन्नी ले लीजिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको तलना, क्योंकि मूंग की दाल चने की दाल तो तब भी थोड़ी सी बड़ी होती है, मूंग की दाल बहुत छोटी छोटी होती है, तो उसको आपको तेल में से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आप इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे ना तो इसमें से एक खरखर सी और क्रिस्पीनेस वाली आवाज़ आएगी, तो वो अगर आवाज़ आने लग जाए तब आप जानिए कि आपकी दाल अच्छी तरीके से तल चुकी है। इससे पहले अगर आपने निकाल लिया ना, थोड़ा सा हाथ में आप दबा करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर हार्ड सी अगर हो रही होगी ना तो इसका मतलब वो सही है। अगर आपने बिल्कुल सॉफ्ट में निकाल लिया तो उसमें मॉइस्चर रह जाएगा, तो आपकी बाकी नमकीन का जितना भी टेस्ट है ना सब खराब हो जाएगा।
सारी चीज़ें हमारी तल चुकी हैं और इसके बाद हम ये देखिए हमने तोड़ करके आपको दिखाया कि कितना क्रिस्पी सा ये बना है। ये क्रिस्पी भी है और अंदर से सॉफ्ट भी है, मतलब कि एकदम परफेक्ट हमारा ये बेसन का सेव बन करके तैयार हुआ है। आप भी अगर इसी तरीके से बनाएंगे जो प्रपोर्शन मैंने बताया तो बिल्कुल सही आपका बनेगा। और टिप्स आप याद रखिएगा कि ऑयल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए और आटा कैसा गूंधा होना चाहिए। इसके छोटे पीसेस कर लेंगे और इसके बाद हम सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। तो ये मूंगफली तल करके निकाल ली थी, दाल तैयार हो गई और ये हमारे जो सेव है वो तैयार हो गए। अब हमें इसमें करी पत्ता भी डालना है जिससे कि स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको भी हमें अच्छी तरह से तल करके निकाल लेना होगा। कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं डालेंगे जिसमें कि मॉइस्चर हो और हमारी फिर नमकीन में मॉइस्चर आ जाए, सौगी हो जाए और फिर वो बहुत लंबे टाइम तक ना चल पाए। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अब इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो मसाले हमें क्या क्या लेने हैं, इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए थोड़ा सा, और अच्छा कलर लाने के लिए मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल लिया है, टोटली ऑप्शनल है। और लाल मिर्च भी आप अपने स्वाद के हिसाब से, मसाले की क्वांटिटी तो देखिए इसमें आप जो मसाले पसंद करते हो वो आप डाल सकते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया है, थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे और बस इसको फिर हम मिक्स करेंगे। और ये जितनी भी क्वांटिटी है ना ये आपके स्वाद के ऊपर डिपेंड करती है। नमक डालते टाइम बस ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने इसमें काला नमक भी डाला है, चाट मसाला भी डाला है, तो इसीलिए नमक की क्वांटिटी ध्यान से डालिएगा। एक बार इसको टेस्ट कर लीजिएगा, कुछ भी कम लग रहा हो तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी चीजें डालिएगा। लीजिए हमारी नमकीन बनकर के तैयार है, बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तब इसको एयर टाइट जार में रखिएगा, क्योंकि अगर आपने गरम गरम रख दी तो फिर इसके अंदर मॉइस्चर आने का डर रहेगा। तो फ्रेंड्स होप करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर के ना बिल्कुल भी नहीं चाहिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।